अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे चैनल पे आप सबको खुश आमदीद। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन दबा दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज के जो लेक्चर है उसके साथ शेख बिलाल का एडवोकेट आपको सलाह दे रहा है। स्टूडेंट्स, आज जो हम लेक्चर करने जा रहे हैं वो एम ए इंग्लिश पार्ट टू का एक ऑप्शनल पेपर है, पेपर नंबर 5, लिटरेचर राउंड द वर्ल्ड इन इंग्लिश। इस पे हम जो फर्स्ट प्ले है इसका स्पेनिश प्ले है द हाउस ऑफ बर्नाडा एल्बा, जिसको फेडरिको ग्रेशिया लॉर्का ने लिखा है, उस पे आज हम बात करेंगे। और स्टूडेंट्स, ये जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये जो हमारा फोर्थ सेमेस्टर होता है और जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं स्टूडेंट्स उनके एटवें सेमेस्टर में होता है, उसमें ऑप्शनल पेपर में भी लिटरेचर राउंड द वर्ल्ड इन इंग्लिश पढ़ाया जाता है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमारे यहाँ पे जो क्लास चल रही थी एम इंग्लिश पार्ट टू की, उनको इस दफ़ा हाउस ऑफ बर्नाडा एल्बा लिटरेचर ऑन द वर्ल्ड इन इंग्लिश रखवाया मैंने, तो उसकी वजह से मैं जो ये लेक्चर बना रहा हूँ आज। आइए बगैर वक्त ज़ाया किए जो है वो इसका आगाज़ करते हैं कि ये जो हाउस ऑफ बर्नाडा एल्बा स्पेनिश सिविल वॉर के हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट में ये लिखा गया है 1936 में, तो ये किस तरह इसको लिखा गया है और इसको किस तरह परफॉर्म किया गया। इसके टोटल 3 एक्ट हैं। एक्ट वाइज मैं आपको समरी बयान करूँगा, इसके थीम्स इंपॉर्टेंट बताऊँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा पेपर पर्सपेक्टिव के हवाले से, और इसका जो टोटल क्रिटिकल एनालिसिस है और करेक्टर बिल्डिंग है वो अच्छा हम देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज ऑल अबाउट। यहाँ पर मैंने लिखा है कि जगह बहुत कंजेस्टेड थी, इसकी वजह से मैं क्वेश्चन बना देता हूँ स्टूडेंट्स, उसके लिए माजरत कांडी थोड़ा सा समझिएगा। द हाउस ऑफ बर्नाडा एल्बा इज वेरी मच अ रिफ्लेक्शन ऑफ लॉर्का इंटेंस थेट्रिकल सेंस, मीनिंग द प्ले फोकस इज लेस इट्स सिंपल प्लॉट, इसका जो सिंपल प्लॉट है उस पर फोकस इतना नहीं है, एंड मोर द एटमोसफेयर क्रिएटेड अराउंड जो उसने क्रिएट किया हुआ है अपने इर्द-गिर्द एटमोसफेयर उसके अबाउट है। हाउस ऑफ बर्नाडा एल्बा इज अ स्टोरी अबाउट हाउ डिजायर कैन लीड टू डेथ। डेथ का और डिजायर का इंपॉर्टेंट थीम है, किस तरह एक ख्वाहिश जो है वो आपको मौत की तरफ धकेल देती है। जब प्ले स्टार्ट होता है वो आप जो समझ करते हैं तो फिर बताते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो है इसके करेक्टर बताता हूँ। करेक्टर से भी पहले स्टूडेंट्स माजरत के साथ, अबाउट फेडरिको ग्रेशिया लॉर्का, ही वॉज बॉर्न इन 1898 एंड डाइड इन 1936। ही वॉज अ पोएट, प्ले राइट, स्पेनिश राइटर, ठीक है। ही वॉज असैसिनेटेड, सम सेड दैट ही वॉज अ गे, दैट्स व्हाई इट वॉज अ सोशल रिफॉर्म दैट सोशली ही वॉज असैसिनेटेड। तो इसके बारे में आइए उसको देखते हैं, इसके इंपॉर्टेंट जो करेक्टर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बर्नाडा एल्बा, चूंकि बर्नाडा एल्बा ही इसके टाइटल का नाम है, शी इज 60 ईयर्स ओल्ड गर्ल। स्टूडेंट्स, से जो बर्नाडा थी इसका ये मानना है कि बच्चों को जो है वो दबा कर रखें, अपने हस्बैंड को दबा कर रखें, अपनी माँ को भी दबा कर रखें, सबको दबा कर रखें, क्योंकि दबा के रखने से जो है वो हम उन पर कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिकली कंट्रोल करना चाहती थी, उन्हें पालना नहीं चाहती थी। शी इज 60 ईयर्स ओल्ड। आप इसकी इस बात से भी अंदाजा लगा लें, इसकी जो मदर थी मारिया जोसेफा, शी इज 80 ईयर्स ओल्ड। इसने शी वॉज एन सिनाइल वुमन, इसने उसको अपने घर के बैग से में जो है वो लॉकअप लॉक किया हुआ था। टायरेंट लेडी एंड हेड ऑफ द फैमिली है, ठीक है। अब इसके हस्बैंड की डेथ हुई है, जहाँ से प्ले ओपन होता है वो हम समझ में देखेंगे। ला पहुंची है, इसकी मेड है, थ्रोट इज हर एंटायर लाइफ उसके साथ रही है, ठीक है। ये और इसका पांचवी बेटी जो अटैक है, ये आपको दो करेक्टर्स से नजर आएंगे पूरे प्ले के अंदर, जो इंडिविजुअलिटी रखते हैं और जो आजाद हैं इसको नहीं मानते। बर्नाडा हैंडमेड और अर्बी द वुमेन हु नोज बर्नाडा बेस्ट एट 60 इयर्स ओल्ड, शी इज अ वॉइस ऑफ विजडम थ्रू आउट द प्ले, वॉइस ऑफ विजडम स्टूडेंट्स। ये हमेशा जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें करती है। इसकी कुछ चीज़ें मैंने कुछ कोटेशन जो है मार्क की हुई है यहाँ पे जगह लिख लिखने के लिए, तो मैं वैसे आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। उसको जो है मैं एट द एंड ऑफ दिस प्ले मैं वैसे टेक्स्ट बुक से देख के आपको बता देता हूँ। इंक्विस्ट्रेस, शी यू नो बर्नाडा एल्बा हैज हैड 5 डॉटर्स, अनवेड डॉटर्स, इसकी 5 गैर शादीशुदा बेटियाँ हैं, जिनमें सबसे बड़ी इंक्विस्ट्रेस है, जिसके पहले हस्बैंड जो था उसकी जो बेटी है शी इज 39 ईयर्स ओल्ड। एंग्विश, यू नो रफली ने ट्रांसलेट इन टू एंग्विश, इंक्विस्ट्रेस एंग्विश मीन डिप्रेस्ड एनॉयड,
स्टूडेंट्स की जो बड़ी डॉटर होती है जितनी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी होती है सारी की सारी उसको चले जाती है। शी इज एंगेज्ड विद पिप अल्बर्ट। पिप के साथ इसका जो है यहाँ पे मैंने लिखा होगा पिप का, उसके साथ इसकी जो है वो होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, शी इज 39 ईयर्स ओल्ड, द ओनली डॉटर, बर्नार्डास फर्स्ट मैरिज। सिर्फ इसी की शादी होती है। अ सैड एंड अग्ली वुमन, सैड और अग्ली वुमन है। She is engaged to Pip Al Romano. दूसरी बेटी है इसकी मैगडालिना। She is 30 years old. Bernarda's second oldest daughter. A spiteful and bitter woman. Bitter woman है. Through, you know, perhaps, though perhaps the most realistic sense of woman के आलो ये हकीकत पर संदर्भना जो है वो औरत थी। Amelia है तीसरी बेटी। Third oldest daughter. She is 27 years old. The most frightened and gossip of the daughters, बहुत ज़्यादा खौफ ज़्यादा होती है और हर वक्त क्या करती रहती है, हर वक्त जो है वो डरती रहती है। My tellio है चौथी बेटी इसकी, fourth daughter, she is 24 years old and her name is roughly translated into suffering. My tellio means suffering. ये जानती थी सिर्फ अडेला की सारी हरकतें। And next देखते हैं अडेला, fifth daughter. He is 20 years old, the tragic heroine of the play. The only daughter who willingly, you know, flaunts Bernarda's strictness and declares her individuality. ठीक है? यहाँ पे play का word और Bernarda का word मिल गया है, मैं यहाँ पे इसको complete कर दूँगा। ये students इसकी पांच बेटियाँ हैं और Adela जो है she is you know fall in love with Pip Al Romano. Maria Josepha है, Bernarda's mother है, 80 years old है, senile old woman है, whom Bernarda keeps her locked in the back, उसको उसके पीछे बंद किया हुआ है। जो Pip Al Romano है students, उसको मैंने discuss नहीं किया हुआ यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, क्योंकि उसका वैसे तो वो character नहीं है, लेकिन उसका बस नाम ही show हुआ है जहाँ पे start होता है। अब इसके थोड़े से देखते हैं स्टूडेंट्स के क्या कहती है, जो लॉर्डा क्या कहता है, Bernarda Romano कहता है, अपॉन हर सेकंड हस्बैंड डेथ हर नी Bernarda डोमिनेटिंग मैट्रार्क Bernarda Alba imposes an 8-year मॉर्निंग। इनका कस्टम था स्टूडेंट्स वहाँ पे कि 8 साल जो है वो मॉर्निंग में रहेगी, पूरी की पूरी फैमिली शोक मनाएगी। ऑन हर हाउस होल्ड इन अकॉर्डेंस विद हर फैमिली ट्रेडिशन, उनके फैमिली ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग। अब स्टूडेंट्स आ जाते हैं हम मेन स्टोरी की तरफ, मेन स्टोरी को बयान करना शुरू करता हूँ स्टूडेंट्स। सबसे पहले मेरा 3 एक्ट की प्ले, फर्स्ट एक्ट ओपन होता है स्टूडेंट्स, हम देखते हैं फर्स्ट एक्ट जो है वो चर्च में ओपन होता है एंड अप्रॉक्सीमेटली देयर वर 200 वुमेन इन द चर्च एंड हर डॉटर्स यू नो Bernarda's daughter आई मीन यू नो हिडनली वॉच्ड और लुक एट Pip Al Romano, उसकी तरफ देखती हैं बिकॉज इसकी माँ ने जो है वो उसको बहुत ज़्यादा रिप्रेस रखा होता है बच्चियों को, और वो किसी की तरफ देख नहीं सकती, किसी को साथ इंगेज नहीं हो सकती। आप इसी वजह से देखें आप उनकी एज देखें कितनी ज़्यादा हो गई है, और लापूंछे जो होती है वो कहती रहती है कि जी इस तरह नहीं करना चाहिए, तुम्हें इसको आज़ाद छोड़ना चाहिए। उसकी माँ मारिया जोसेफा भी यही कहती रहती है, ठीक है, वो अपने बच्ची के बारे में उसकी भी कुछ लाइन्स हैं, वो भी मैं टेक्स्ट आपके साथ शेयर करूँगा। तो वहाँ पे जो है ना एंगुस्टिस जो होती है वो उसको देखती है, उसके बाद ये अपनी बेटियों को अनाउंस करती है घर आके कि जब मॉर्निंग वहाँ फ्यूनरल ख़त्म होता है कि हम जो है एक लॉन्ग जो है 8 ईयर्स का मॉर्निंग है, हम उसमें जाएंगे और सारे उसमें रहेंगे। अडेला जो है वो बिल्कुल नहीं मानती इस चीज़ को, और उधर से दूसरी बात ये होती है कि जो एंगुस्टिस होती है उसकी जो शादी होती है उसकी वो तय कर दी जाती है Pip Al Romano से, और उसकी रीज़न सिर्फ यही होती है कि जो सारी प्रॉपर्टी है वो इनहेरिट होकर एंगुस्टिस को मिलती है। और यहाँ पे चूँकि अभी डिक्लेयर नहीं है कि जो अडेला है शी इज इन लव विद Pip Al Romano, तो यहाँ पे फर्स्ट एक्ट खत्म होता है, उसके बाद सेकेंड एक्ट ओपन होता है। सेकेंड एक्ट में हम स्टूडेंट्स देखते हैं, इसके साथ स्टूडेंट मैं एक आपको चीज़ और डिस्कस करना चाहता हूँ। यहाँ पे जो मारिया है वो अपनी बेटी को एक आइडियालॉजी अपनी बताती है, ये थोड़ी सी डिस्कस करते हैं सेकंड एक्ट करते हैं। आई डोंट लाइक टू सी दीज ओल्ड मेड्स,
अपने बच्चों के बारे में, उसको कहते हैं मैरिड के बारे में, इचिंग टू गेट मैरिड, देयर हार्ट्स टर्निंग टू डस्ट, आई वांट टू गो बैक टू माय होम विलेज, मैं वहां पे जाना चाहती हूं पटनाडा, आई वांट अ मैन सो आई कैन गेट मैरिड एंड बी हैप्पी, तो मैं वहां पे जाके शादी करना चाहती हूं। फिर वो कहती है, शी एक्सक्लेम्स अगेन, आई वांट टू गेट अवे फ्रॉम हियर पटनाडा, टू गेट मैरिड एट द एज ऑफ सी, टू गेट मैरिड एट द एज ऑफ सी। स्टूडेंट्स, ये टोटल जो है वो चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको बताता हूँ। इसके बाद स्टूडेंट्स जो है इसके बाद स्टूडेंट्स जब एक्ट टू स्टार्ट होता है तो उसमें हम देखते हैं एक्ट टू के अंदर स्टूडेंट्स के जो लड़कियां होती हैं वो अपना मॉर्निंग पीरियड जो है वो गुजार रही होती हैं, और ला पेंशियल पॉन्शियल जो होती है वो कहती है कि ऐसा जो है वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तुम्हें ठीक है तुम्हें गुजारना है टाइम गुजारो, लेकिन जो तुम्हारी बच्चियाँ वो ऐसा करें। अडेला जो होती है वो रन अवे हो जाती है, बाइक भाग लेती है, बाइक भाग के जाके वो चिकन्स के साथ खेलना शुरू हो जाती है, तो ये बात जो है वो बर्नाडा को बहुत बुरी लगती है। ठीक है, इसकी जो पाँचों डॉटर्स थी मैगडालिना मर्टेलियो ये सारी जो हैं इसमें इसमें दिखाते हैं उनके बारे में। ठीक है, और पॉन्शिया को और उसको को अडेला के अफेयर का पता होता है ये इसके अंदर दिखाते हैं। इसकी जो डॉटर होती है मिलिया और मार्टेलियो उनको गॉसिप्स का बहुत शौक होता है, जहाँ पर मैंने लिखा भी है फ्राइडेंड और ये वो सारा कुछ। ठीक है, और जहाँ पे एक चीज़ जो होती है कि अमेरिका जो इंग्लिश जो होती है वो एक न्यूज़ लेके आती है कि जो पिप अल रोमैनो है उसकी जो पिक्चर थी मैंने अपने पेड़ों के नीचे रखी थी उसको किसने चोरी कर ली है, तो बाद में पता चलता है कि मार्टेलियो ने उसको चुरा लिया। अब यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि हाउ अ वुमेन यू नो कैन कंट्रोल हर सेक्सुअलिटी। ठीक है, व्हेन शी इज ब्रिंगिंग अप, व्हेन शी यू नो शी इज ब्रॉट अप, तो किस तरह जब वो बड़ी होती है तो किस तरह वो कर सकती है और किस तरह रिप्रेस्ट करती है। ला पॉन्शिया बड़ी जो इम्पोर्टेंट लाइन कहती है अपने इसको बर्नाडा को, मैं लाइन आपके साथ शेयर करता हूँ टेक्स्ट की। वो टेक्स्ट की लाइन में एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात होती है, वो कहती है कि इयर्स अगो, बड़ी इम्पोर्टेंट लाइन है स्टूडेंट्स, अनदर ऑफ दीज वुमेन केम एंड आई माइसेल्फ गिव मनी टू माई ओल्डेस्ट सन, गिव मनी टू माई ओल्डेस्ट सन सो ही कुड गो, मैन नीड दीज थिंग्स, ही शी इज टॉकिंग अबाउट सेक्चुअलिटी, सेक्चुअल रिलेशनशिप। फिर इसके बाद जो है वो बात करते हैं स्टूडेंट्स इनके गांव में ना एक लड़की होती है उसका वो जिक्र करती है, वो कहती है कि इस तरह वो शादी से पहले जो प्रेगनेंट हो गई थी उसके बारे में कुछ लाइन है बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। टू हाइड आवर शेम शी केप्ट इट एंड पुट इट अंडर सम रॉक्स, बट सम डॉग्स विद मोर फीलिंग देन मैनी क्रिएचर्स, तो उसकी डेथ हो जाती है बच्चे को वो मार देती है, पुट इट आउट एंड इज एज इफ, तो उसको फिर दफना देती है। किस तरह डॉग्स जो है बेसिकली उनको बताना चाहते हैं कि गॉड जो है किस तरह रिवील कर देते हैं चीज़ों को, एंड लेड बाय द हैंड ऑफ गॉड दे पुट इट ऑन हर डोर स्टेप्स, और उसके जो बच्ची को उठा के उसके डोर स्टेप पर देती है, नाउ दे वांट टू किल हर, अब सारे लोग उसको मारना चाहते हैं, दे आर ड्रैगिंग हर डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैन आर रनिंग डाउन द पास एंड आउट ऑफ द अली विली ग्रूव्स शाउटिंग सो लाउड द फील्ड्स आर ट्रेम्बलिंग। ठीक है, ऊंची ऊंची चलाने लग जाती हैं। ठीक है, और फील्ड्स जो हैं वो किस तरह वो कहती है कि जो है वो ट्रेवल करती है, इतना बड़ा वाक्य जो है वो यहाँ पे हो गया। और बर्नाडा होती है सेकंड एक्ट में वो बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान होती है अपनी बच्चियों को लेके, और उसको ये भी पता होता है कि उसकी उसको जो है उसकी बात को मानता नहीं है। ठीक है, तो अपनी परेशान सबसे ज़्यादा होती है, फिर वो उसके बाद जो लोकल गर्ल है उसके बारे में उसको पता चलता है कि उसने शादी के बगैर जो है वो प्रेगनेंट हो गई है, फिर वो उसके बारे में दुआ करती है ठीक है इसको सजा मिलनी चाहिए और इसका मर्डर होना चाहिए, उसके मर्डर पर वो खुश होती है, जबकि अडेला और पॉन्शिया जो होती है वो उसको कंटेम करती है कि नहीं ऐसा नहीं होता ना ऐसा करना चाहिए। थ्री थोड़ी देर बाद एक्ट ओपन होता है, एक्ट थ्री में क्या होता है स्टूडेंट्स के इन दोनों की जो है वो इंगेजमेंट होती है फिर अल रोमैनो की और इंग्लिशियस की, और ये बात जो होती है एक जो विस्टर होती है प्रोडेंशिया वो स्टेज पर आती है। ठीक है, वो कहती है कि दूसरों को विकननेस करती है कि मेरी बेटी को जो है वो बैनिश कर दिया गया है। ठीक, इसके बाद आप और बर्नाडा की आपस में फाइट होती है, अडेला जो होती है वो बैठ जाती है, मार्टेलियो उसके पीछे जाती है क्योंकि वो जो है वो उसको पता होता है कि इसने क्या करना है,
इसके बाद जो मारी मारिया जोसफा है वो भी इंटर होती है, सारे एक दफा जो है वो इकट्ठे हो जाती हैं स्टेज पे, हेडन या भाग लेती है वहाँ से, ठीक है, इंटर होके, और उसको पता होता है कि ये उसके साथ भाग नहीं है, तो अडेला जो होती है वो क्या करती है, वो अनाउंस कर देती है ओपनली, क्या अनाउंस करती है स्टूडेंट्स, वो कहती है कि मुझे मुझे कोई शर्म नहीं आती कि मेरा रिलेशनशिप जो है वो पेपर फरनानो से है, ऑल्दो इट वॉज अ सेक्चुअल रिलेशनशिप, ठीक है, और मैं जो है वो अनाउंस करती हूँ। बर्नार्डा जो होती है वो अपने घर जाती है, अंदर से क्या लेके आती है, शूट गन लेके आती है, मैं इसको शूट कर दूँगी, ठीक है। इसी तरह में मार्टेलियो जो है वो इंटर होती है, वो झूठो होती है, बड़ा क्रूअल लाइफ होती है कि मार्टेली का जो कैप्टन फरना फरनो है उसको गोली लग गई, वो मर गया। अब यहाँ पे अडेला जो होती है वो शी हैंग्स हरसेल्फ, वो खुद को हैंग कर लेती है, और उसको ये पता ही नहीं होता कि पिप जो है वो इस बात में, यानी पिप हैड एक्चुअली एस्केप, एस्केप हो जाता है उसकी बात में, और इस तरह अडेला जो है वो उसकी डेथ हो जाती है। उसकी जब बॉडी मिलती है बर्नार्डा जो क्या करती है, थोड़ी देर बाद बड़ी रिमोर्स होती है, बड़ी संदिग्ध औरत होती है, वो कहती है कि ठीक है इसको दफना लो अडेला को, लेकिन इसका जो मर्डर है वो ऐसा नहीं होगा जिस तरह एक वर्जन है, एक वर्जन के तौर पे, और डिमांड क्या करती है, द गर्ल्स बॉर्न इन लाइन अंडर अ टेक्निकल स्ट्रक्चर, कि ये जो इंडिविजुअलिटी थी इसके अंदर इस लड़की वो जो है वो मुझे ज़रूर नजर आई है, लेकिन अब उसकी जो डेथ हो गई है चुके, बाकी जो चार बच्चियाँ रह गई हैं इंडस्ट्रीज ऑलरेडी जो है वो मैरिड है, तो बाकी तीन हैं वो मेरी स्टिकनेस के अंदर रहें, मेरी स्ट्रिक्चर के अंदर रहें और मेरी ही बात मानें। आदो स्पेनिश सिविल वॉर के अंदर जब ये प्ले लिखा गया, और स्पेनिश सिविल वॉर यू नो स्टार्टेड फ्रॉम 1936 to 1939, तो इसके अंदर जब लिखा गया तो लॉर्का ने ऑब्वियसली जो रियलिस्टिक सेंस थी उसको बयान किया, आदो इट वॉज अ फेमिनिस्टिक प्ले, ये फेमिनिस्टिक प्ले भी है, ठीक है, और उसने पूरी एक पिक्चर दिखाने की कोशिश की है कि वो लोग जो बच्चों को बहुत ज़्यादा इंप्रेस रखते हैं, बहुत ज़्यादा जो है दबा के रखते हैं, उनके लिए उसने लिखा, और बर्नार्डा की उसने पिक्चर बड़ी ज़बरदस्त है थी। इसकी जो इम्पोर्टेंट थीम है स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिप्रेशन पे, थ्रू आउट डिप्रेशन जो है वो आप देखती हैं बर्नार्डा से लेके, हर कोई ये रिप्रेस करने की कोशिश करता है, अपने बच्चों को दबाने की कोशिश करता है। फिर डेथ का सीन है, डेथ का थीम है, स्टार्ट पे जो है इसके हस्बैंड की डेथ होती है, फिर वो जो लड़की दूसरी उसका मर्डर होता है उसकी डेथ होती है, अडेला जो है उसकी डेथ होती है, ठीक है, ये डेथ का सीन है। फिर इंडिविजुअलिटी है, ला पंशिया और जो अडेला है, देर आर ओनली टू फैक्टर्स इन द प्ले हु आर यू नो हु फील्स इंडिविजुअलिटी, ठीक है, ये अपनी आइडेंटिटी को पहचानते हैं, दे रिकॉग्नाइज देयर आइडेंटिटी एज वेल, अपनी आइडेंटिटी को पहचानते हैं, और आइडेंटिटी का इंडिविजुअलिटी का जो थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स सेक्चुअलिटी का थीम है कि एक जो औरत है वो किस तरह जो है वो अपने सेक्चुअल डिज़ायर्स को कंट्रोल कर सकती है, वो कर ही नहीं सकती, और इसी वजह से उसकी जो डिज़ायर है उसको लीड टू डेथ, डेथ की तरफ लेके जाती हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्चुअलिटी का थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। फिर इसके बाद जो है गॉसिप है, इसकी जो बेटी अमेलिया है, मैं डेली उनको गॉसिप करने का बड़ा शौक होता है, कभी वो गॉसिप करती हैं किसी पेपर फरनो के बारे में, कभी किसी के बारे में, कभी किसी के बारे में, हाल तो वो सच हो या झूठ हो, और इसी वजह से उन बहनों के आपस में जो है वो बहुत ज़्यादा रिलेशंस खराब भी होते हैं, ठीक है। मटेरियो सिर्फ शी वॉज द ओनली वुमैन शी हु नोज अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन पेपर फरनो एंड अडेला, तो वो भी क्या करती है, वो अनाउंस कर देती है लेटर ऑन एक्चुअली में हम देखते हैं, तो फिर उसी के साथ एक क्रूअल झूठ होती है जिसकी वजह से वो शी हैंग्स हरसेल्फ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे प्ले का जो इख्तिताम होता है, इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं, ट्रेजिडी है बेसिकली, एक ट्रेजिक प्ले है, दूसरा रियलिस्टिक वर्क है, तीसरा बर्नार्डा का करेक्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, बस ये तीन जो क्वेश्चन हैं दैट आर वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट्स तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।